दूर का नहीं हूँ, ग्राम सारस डोली तहसील सहपरा का ही हूँ। 15 मिनट लूंगा, है ना, ज्यादा समय हो जाता है इसलिए। 20 मिनट ठीक है, आपने बोल दिया 20 मिनट लूंगा। नैंग सैंग पे नहीं दादा, क्योंकि नैंग सैंग पे आप लोग भी आप बहुत अच्छे से 2 दिन के प्रशिक्षण में बता दिए हैं, गल व्यवस्था बता दिए हैं, नार व्यवस्था बता दिए हैं, आपके भोजन से लेकर रहने से लेकर घर की व्यवस्थाओं से लेकर हम कहन खाथन कहन पिया था ऐसा बता रहे गए हैं। मैं बहुत सरल भाषा में बताई हूँ, गाँव के आ हो तो गाँव कस बताइए चली ऐसा है। बहुत सुना था या नियम बन गई, वह नियम बन गई, फलाने झिमका बन गई। अपन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं आन भाई, हम ही भाई समझ में आवत है जो हमारे गांव में हो थे, है ना भाई, कि पहले के जो हम सियान है उनके बात सब जन माने, पहले के जो हम सियान कही कौन बात सुने, आज मन से ज्यादा पढ़ लिखा है ता नहीं सुने, है कि नहीं है? यही बात है 5वीं अनुसूची में, अच्छू नहीं है पर ऐसा नहीं है कि उनको हम विशेष लिखता है, लिखाई बारे कौन दूसर समाज के दूसर जात के, ये सब नियम ये सब बनाए हैं, बहुत सही चीज उन लिखे के बता दा है, लेकिन इतना जटिल भाषा में बता दा है कि ये समझे चुप नहीं आवे। अरे का सामुदायिक व्यवस्था, सीधे सीधे भैया हम जो तय कर कौन भाव चाहिए कि न भाव चाहिए, वही चीज है 5वीं अनुसूची में, सीधी बात यह है, समझे वाली बात है ना। अनुसूचित क्षेत्र है 10 राज्य है, वह 10 राज्य में अपनी डिंडोरी भी है, सब डिंडोरी के बैठे हैं, मध्य प्रदेश के बैठे हैं, तथा की बसे बताई। अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले सरपंच स्तर के व्यक्ति जो रहा थे वह कौन रहा थे, जनजाति है ना, जनजाति रहा थे ना, ट्राइबल समुदाय के रहा थे। अपने ही यहाँ पे ज्यादातर कहें कौन है, कौन है, गोंड है, कहूँ कहूँ पे भील भिलाला तो है, दूसरे क्षेत्र में अपनी यहाँ कोल है कहूँ कहूँ पर, लेकिन जनजाति में ज्यादातर गोंड ही है ना। अब जानकारी में ले बगल में जो है क्रिश्चियन धर्म वाले गाँव वाले हैं है। तो दो दिन में आप लोग समझे हुई है, सबसे पहले ये बता दिया क्या आप हिंदू हा, धर्म हिंदू है नहीं है ना, तो दूसरा धर्म भाव चाहिए, कोया पुण्य है धर्म, कोया पुण्य अपन जाना था कि नहीं जाना, हाथ खड़े कर लिया, हाँ बहुत जाना था बस ये कोया पुण्य हमारे धर्म है ना, यह बतावा हुई, हालांकि हम धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, ठीक है करो चाहे चीज हम ही कौन हुआ से देंगे लिखित रूप में, का हिंदू धर्म के लिए तो हम रोड में जाम कर रहे हैं दिल्ली, इस मुसलमान मुस्लिम धर्म के लिए तो जाम कर रहे हैं, हम तो अपने यहाँ लिखे लागे रहे ना कोया पुण्य हमारे यहाँ, हम जब धर्म के कॉलम आई तो हम यदि कोया पुण्य लिखे लागा तो कोनो कछु बिगाड़ पाई का ना, बिगाड़ लिखा है भारत के संविधान में स्पष्ट लिखे धर्म निरपेक्ष, यह 2 दिन में आप पढ़े हुए यह धर्म निरपेक्ष शब्द है, मतलब हम अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो हमें कौन से धर्म मानने हैं, कोया पुण्य, ठीक। अब कोया पुण्य में का है वो बता रहे हो, आप देख रहे हैं वहां से एक लाइन से लिखे है मुकदम दीवान कटियार वो सब लिखे है, ठीक है, यह व्यवस्था है, यह नाम है उनके सियानन के जो उनका पद दे पदवी दे जाए है ना, तो उन जो है तो इन गांव का चलाए करें, इन यह गांव का चलाए करें, तो भाई बात हम कहन कहा कि हमारे सियान के बात हम सब सुना था माना था जो सियान कह देते, तो आज का हुई गए भाई, आज का ही नहीं माना, दस के नहीं माना बताओ, पंचायती राज अधिनियम 1993 का भाई या भाई आपके बीच में डाल दिया गया, लड़ो चुनाव, अब चुनाव कहन लड़ा था वह गांव में जो है जनजाति व्यक्ति जो है चुनाव लड़ी तो सब अरे महू सरपंच बन आपस में लड़ रहे, कितना पैसा खर्च करा थी सरपंच की नहीं था, 10,000, 20,000, 50,000 अपने जेब से खर्च करा था ना, कोनो की नहीं था दारू दे थी या कोनो का कम्बल कछु कछु लाल है बता थे, ऐसा नहीं कोनो ऐसा बात नहीं बता रहा हूँ, हकीकत बात है बता थे, अरे भाई काहे बात रहे हैं यार, आपस में बैठ जा ना, हमार बीच में हमारे सगा पाड़ी के बीच में हम अपनी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर काहे की समुदाय की एकता, काहे के समाज, अरे बना ली है आपस में बैठ के, आसो जो पंचवर्षीय में है एक बढ़िया व्यक्ति सरपंच बन जाए निर्विरोध,
बना सकत है कने और निर्विरोध सरपंच बना ली है तो कहन फायदा जो 10 15 3 4 जन चुनाव लड़ा था कौन के पैसा बर्बाद ना हुई वह दूसर के पैसा ना आए वह अपने च पैसा आया यह ना सोचा कि यार फलाने के पैसा लग रहे हैं मोरे का जा रहे हैं भैया वह आप ही के घर के सगा पाड़ी के आपके गांव के व्यक्ति के पैसा है वह मेहनत कर रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं वहां से वह पैसा कमा रहे हैं वह भाई के पैसे आए मैं यदि यहाँ से एक कसम खवाई हो तो खाइया मतलब अच्छा यह बता दे हम भी कोया पुल्ले में विश्वास करा था कनक कट्टर को या पुणे में हो या नहीं कट्टर को या पुणे में मतलब पता है जान दे देंगे को या पुणे के लिए इतने कट्टरता है तो बात करना नहीं ना लोग बाग ऊपर से बैठ के दूसरे समाज वाले बोलते हैं मुर्दौरा जिला है कोई आवाज नहीं उठाता कोई आवाज नहीं उठाता अपने हक अधिकार के लिए खड़े नहीं हो सकते बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं कीड़े मकोड़े की जैसे देखे जाते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों नहीं हमारे यहाँ पे बड़े कारखाने क्यों नहीं हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं जो हमारे हमारे जनजाति के होंगे जिनकी मल्टीनेशनल कंपनी है किसी की नहीं क्यों सोचते ही नहीं उस लेवल पर कोई सोचता है क्या कि हमारी प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए जिसका पैसा सेंसेक्स और निफ्टी में लगना चाहिए मतलब इस देश को चलाने वाली अर्थव्यवस्था पर कोई सोचता है सरपंच बनने की सोचते जनपद सदस्य के लिए लड़ते वापस में और सरपंच बने और आपस में गांव गांव में लड़ना शुरू कर देते हैं भाई भाई का दुश्मन हो जाता है यही तो वो लोग चाहते हैं कि आप लोग आपस में लड़ो ऊपर से वो देखते देखो कितने कीड़े मकोड़े जैसे लड़ रहे हैं उनको मजा आता है मत लड़ो यार दुख होता है हमारा ही भाई हमारे ही भाई के विरोध में लड़ता है और लड़के आप लोग कहां जाते हो थाने में जहां पे आपको 10 गाली सुनाते हैं 10 बात बोलते हैं 10 पैसा लूटते हैं आपसे हमारी बहन बेटियों को भी गलत बोला जाता है हमारे भाइयों को भी गलत बोला जाता है क्यों क्योंकि आप कोया पुणेमी नहीं हो क्षमा करिएगा मुझे इस बात के लिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि आप कोया पुणेमी नहीं हो कोई दूर यदि हो तो कसम खाइए मिट्टी की कि हम अपने लिए अपने लोगों के लिए इस देश के लिए और समाज के लिए खड़े रहेंगे और नहीं लड़ेंगे आपस में क्यों लड़ते हैं आपस में यार सरपंच जी मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं समझ रहे इस बात को बड़े व्यापक रूप में कैसे जाएगा एक गांव ग्राम पंचायत में तय कर लीजिए 3 गांव मिलकर कि हम सरपंच जी को चुनाव नहीं लड़ेंगे सरकार भी आपको प्रोत्साहन राशि देगी जनपद एरिया में तय कर लीजिए 7-8 गांव के लोग कि हम जनपद सदस्य के लिए निर्विरोध व्यक्ति देंगे नहीं कर सकते क्योंकि जनजाति व्यक्ति होता है चलिए बनिए थोड़ी ना है यार दूसरा वाला थोड़ी ना है अपना ही भाई है ना ठीक है यार वो बन जाएगा हमें खुशी होगी पैसा तो बर्बाद नहीं जाएगा हमारे लोगों का जनपद क्षेत्र के पूरे एरिया को तय कर लीजिए जनपद अध्यक्ष यदि कोई होगा तो उसके लिए भी चुनाव नहीं होगा सारे लोग मिल जाए बन जाए हमारे लिए भैया हमारा है छोड़िए कुछ समय के लिए क्या पार्टी और क्या राजनीति और क्या कुछ छोड़िए अपने लोगों के लिए खड़े होइए यार जमीर नहीं करता क्या कि मेरा भाई खुश रहे मेरे गांव का व्यक्ति खुश रहे ऐसा नहीं करता क्या ताली बजाने से नहीं यार ये खुशी तब होगी ना जब इस ग्राम पंचायत में सारंगपुर ग्राम पंचायत में पड़रिया में इस बार ये सुनने में आ जाए कि यहाँ पे निर्विरोध व्यक्ति आया जो जो लोग इस बात को सुन रहे हैं वो अपने गांव में इस बात के लिए आ जाए कि यार निर्विरोध सरपंच आना चाहिए क्यों नहीं हम फालतू चीजों की लड़ाई करते हैं इससे भी बड़ी बात में आता हूं थोड़ा सा हमारे यहाँ पे विधायक साहब है आए हुए हैं विधायक कौन बनता है जनजाति व्यक्ति बनता है जनजाति व्यक्ति बनता है यार हमारे बड़े बड़े जो अच्छे बुद्धिमान लोग हैं सर जैसे लोग हैं और भी जो अच्छे अच्छे लोग हैं तय कर लो ना यार भैया आए 5 वर्षी मई बन जाएंगे हो अगले 5 वर्षी तय बन जाएंगे भाई है अरे छोड़ो भाजपा कांग्रेस ये सब अपने लोगों के लिए सोचो यार अपने लोगों के लिए सोचो अपने लोगों को खड़े करने के लिए सोचो उनको गड्ढे में गिराने के लिए मत सोचिए इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ भैया जिस दिन विधायक निर्विरोध बन गया ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ हमारे यहाँ से सांसद निर्विरोध रहे पहले मंगरू सिंह विके जी आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे विधायक निर्विरोध हुए हैं मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ लेकिन क्यों उस समय के सियाने कोई दूर थे उस समय के सियाने जानते थे सामुदायिक एकता को सामाजिक एकता को आपस में लड़ते नहीं थे आप लोग आपस में लड़ने लगे हो
यही है पांचवी अनुसूची टाइप, बस इतनी सी बात कि नहीं लड़ो आपस में, और जब नहीं लड़ोगे आपस में तो सारी चीजें जो आपको बाहर से पता चलेगी आप अपने गांव के बीच में बताओगे कि मुझे प्रशासन से ये पता चला, यहाँ के उपयोग हम कैसा करें। जैसे कि अभी हमारे कमल भैया ने बताया कि समुदाय वन के लिए हम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, यदि हमारे ही लोगों को पता चला होगा ना, डिंडोरी में कौन है दूसरा, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही किसी एक व्यक्ति को तो पता चला होगा ना, किसी एक जनजाति व्यक्ति को तो पता चला होगा ना, तो वो यदि एक बताता कि भैया एक और फॉर्म भरना है जिसमें हमको सामुदायिक वन का अधिकारी मिलेगा, तो क्या हम नहीं भरते, भरते है ना। तो सबसे पहले अपने लोगों के लिए सोचना शुरू करिए, आपस में मत लड़िए। अब बताइए क्या हम इस बार प्रयास करेंगे कि निर्गुण सरपंच आ सके हमारे गाँव में, अभी भी लड़ोगे? अभी थोड़ी देर पहले आपको एक लोड कराया गया था कि दूसरे के नियम के अनुसार मत चलिए, अपने नियम खुद बनाइए, बनाओगे अपना नियम बताइए। यदि मेरे इतने बोलने के बाद भी आप ये सोच रहे हो, प्रयास करेंगे सर, प्रयास करेंगे, ये हुई ना बात, कितने लोग प्रयास करेंगे, जोर से बोलिए। तो बस निवेदन यही है, 10 मिनट और, धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, और भी वक्ता लोग हैं, और भी वक्ता लोग हैं, जो मुझे लगता है और भी वक्ता लोग हैं, काफी चिंतनकार है, वो आपको बहुत अच्छी चीजें बताएंगे। देखिएगा, हालांकि ये थोड़ा मैं हटके विषय बोलने वाला हूँ, है ना, दो शब्द की बात है, जनजाति और आदिवासी। आदिवासी बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं केवल वो बात बता रहा हूँ, और आपको चयनित करना है कि आप किस शब्दावली का प्रयोग ज्यादा करेंगे। जनजाति और आदिवासी, किसी भी संवैधानिक स्तर पे, किसी भी संवैधानिक स्तर पे आदिवासी शब्द का लिखित रूप में प्रयोग नहीं किया गया है ना, हमेशा वहां पे जनजाति, या फिर अभी एक नया शब्द जो है मैंने पढ़ा है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में, जो असम के लिए जो छूट दी गई है, तो उनमें जिस जो लिखा गया है कि इसमें देशज लोगों के लिए जनजाति क्षेत्र में छूट दी गई। देशज, देशज का अंग्रेजी में मतलब होता है इंडिजिनस, जो आजकल हम 9 अगस्त को मनाते हैं, है ना। तो दो शब्द है आदिवासी और जनजाति। आदिवासी बोलचाल के लिए उपयोग किया जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, 2014 या 15 में मैसेंजर ऑफ गॉड में राम रहीम ने आदिवासियों को राक्षस बोला था, मांस खाते हैं और जानवर, बहुत कुछ बोला था। दिल्ली कोर्ट में केस चला, केस हार गए, क्यों? कोर्ट ने ये देखा कि आदिवासी की संवैधानिक परिभाषा क्या है, कुछ भी नहीं। अपने लिए बेहतर शब्दों का उपयोग करिए। कोई दूर, हम कोई तुरियन है, कोई दूर है, लिखित रूप में ज्ञापन देते हैं तो जनजाति शब्द का प्रयोग करिए, क्योंकि जनजाति वो है। और यदि शासन प्रशासन इतना बोलती है, सरकार ये बोलती है कि आदिवासी शब्द आदिवासी बोलती है ना, तो उनसे बस इतना बोलिए कि ठीक है, आदिवासी शब्द को हम स्वीकार करने को तैयार है, एक गजट नोटिफिकेशन निकाल दो, एक राज्य पत्र निकाल दो कि आदिवासी शब्द की संवैधानिक परिभाषा ये है। ये बात शायद आप लोगों के माध्यम से ना पहुंचे, लेकिन हमारा जो वीडियो बन रहा है उसके माध्यम से मैं जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है। एक गजट नोटिफिकेशन निकाल दे ताकि जब कल को कोई आदिवासी को लेकर कुछ बोले तो हम उस बात को प्रूफ कर सकें कि हमारे पास नोटिफिकेशन है कि आदिवासी की संवैधानिक परिभाषा ये है। पांचवी अनुसूची हो गई, ये हो गया। दूसरा, हम लोग बहुत सोचने लगे हैं कुछ चीजों को लेकर। अब मैं आता हूं ऐसी चीजें जो हम सोचते ही नहीं, व्यवसाय क्यों नहीं करना चाहते थे, क्यों किसी और का पेट पाल रहे हो यार? क्या हमारा व्यक्ति है? हमारा व्यक्ति कुछ ऐसा नहीं कर सकता? और मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप लोगों ने वो नहीं किया है, आप लोगों ने वो किया है, हमारे लोगों ने वो किया है, हमारे पूर्वजों ने वो किया है। मोहन जोदड़ो जो सभ्यताएं थी वो हमारी थी, कोई दूरों की सभ्यता। आप जिस दिन कोई दूर कोई पुणे को समझ जाएंगे, जिस दिन आप अपना इतिहास समझ जाएंगे, एक समय वो था जो हम पूरे पंचखंड में राज किया करते थे, व्यवसाय हम किया करते थे, उत्पादन हम किया करते थे। आज मैं जिस माइक से बोल रहा हूं, इससे लेकर जो जूते मैं पहन रहा हूं, वो भी कोई दूसरे लोग बनाते हैं। हम क्या उत्पादन कर रहे हैं?
ठीक से हम खेती भी नहीं करते हैं और क्या करते हैं कि रोजी रोटी के लिए मजदूरी करते हैं दूसरी जगह पर। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए जरिया नहीं है, है। लेकिन क्या आप अपने यहां पर नमक को छोड़कर, चलिए आप नमक नहीं बना सकते मानता हूं, मिर्ची नहीं उगा सकते, तो बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपको इसके लिए कारखाना खोलना पड़े। मिर्ची का उत्पादन है, खुद की खेती करने के लिए आप मिर्ची उत्पादन कर लो, टमाटर की खेती कर लो, दो चार आलू उगा लो, दो चार भटा उगा लो, इतना कर लो। मतलब आपका जो 10-15 रुपए जो आप 25-50-60 रुपए जो आपका जो है ना मार्केट में खर्च होता है उसको वहां खर्च होते हैं, उसको अपने पास रखिए। आपके पास बैंक है, बैंक सभी के पास खुल गया है, सभी के पास है ना बैंक का खाता, है ना, तो आप उसमें जमा करिए। ये हमारी छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे अंतिम बात में एक चीज बोलूंगा, मतलब इसमें एक चीज और बोलूंगा कि छोटी छोटी चीजों से जब आप पैसा बचाना शुरू कर देंगे ना, बचत करना नहीं चाह रहे हो, जिस दिन आपने बचत, जैसे कि टमाटर आप नहीं खरीदोगे, सब्जी भाजी आप नहीं खरीदोगे, राई आपके यहाँ खेती होती है, राई का तेल पुराना भर हमेशा चलेगा, महुआ से सब चीज मिल जाता है। अभी कुशरे सर ने बताया था कि महुआ का लाटा आप खाने से सब कुछ मिल जाता है, चपड़ा भाजी खाने से सब कुछ होता है, पेज शरीर के लिए, विटामिन प्रोटीन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे स्वदेशी चीजों को उपयोग करिए ना अपने लिए, क्यों बाहर की ऐसी चीजों को जो आपके यहाँ पे डाला जा रहा है कचड़ाओं को, उनको खाना, उनसे बचिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। बाहर का तेल चाट ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक, बॉयलर बना देते हैं सर ऐसी चीजें, बॉयलर कोरोना वायरस अलग चल रहा है, मत खाइए। और अंतिम में एक चीज भर बोलूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन का स्वरूप बोलूंगा, आत्मा रो रही है इसलिए बोल रहा हूँ, दारू छोड़ दीजिए यार, दारू छोड़ दीजिए, निवेदन है।